अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कच्ची इमली की खट्टी दाल की रेसिपी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। ये 200 ग्राम कच्ची इमली है, तो अब हम इसको उबालने के लिए रख देंगे एक गिलास पानी डाल के। तो अब ये दाल अच्छे से बॉईल हो गई, तो अब हम इसको छान के इसका पल्प निकाल के रख लेंगे। और अब हम लेंगे 200 ग्राम दाल मसूर की, तो इसको भी अब हम बॉईल होने के लिए एक गिलास पानी डाल देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी पाउडर और 3 से 4 टमाटर है ये कटे हुए, और थोड़ी हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सक। तो अब हम दाल को बॉईल होने के लिए रख देंगे, और ये जब बॉईल हो जाएगी अच्छे से तो अब हम इसको मैश कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मुट्ठी भर करी पत्ता, और अब ये दाल अच्छे से मैश हो गई। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रॉ टैमरिंड पल्प, यानी कि हमने जो इमली का पल्प निकाला था कच्ची इमली का बॉईल करके, वो पल्प डाल दिया यहाँ पे हमने। और एक गिलास पानी भी ऐड करेंगे अब हम इसमें। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, और अब हम इसको एक 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब 2 से 4 हरी मिर्च भी ऐड करेंगे अब हम इसके अंदर। और अब ये दाल अच्छे से पक गई, तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और अब हम दाल को बघार लेंगे, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और राई ज़ीरा लहसुन भी ऐड करेंगे अब हम इसके अंदर। करी लीव्स भी ऐड करेंगे अब। और थोड़ी सी ड्राई रेड चिलीज भी ऐड करेंगे। और अब हम इस बघार को दाल के अंदर ऐड करेंगे। तो ये हो गई हमारी कच्ची इमली की खट्टी दाल तैयार। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।